राष्ट्रीय सैनिक संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल तेजेंद्र पाल द्वारा संवाददाता सम्मेलन कर देश की बढ़ती जनसंख्या पर दुख जताते हुए कहा कि आज़ादी के बाद भी हमारा देश गरीबी के दौर से गुजर रहा है, जिसका मुख्य कारण है जनसंख्या में लगातार वृद्धि। वहीं अध्यक्ष ने हम दो हमारे दो के तहत सरकार से इस विषय पर सख्त कानून बनाने की मांग की है और कश्मीर में जिहादियों पर नकेल कसने की सरकार और केंद्र सरकार से गुहार भी लगाई है। वर्षीय योजना बनी तो हम दो हमारे दो के लिए कहा गया कि हम प्राकृतिक वे में हम दो हमारे दो का इस्तेमाल करेंगे। अगली पंचवर्षीय यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि हम क्लिनिकल मेथड यानी कि गर्भपात को भी फैमिली प्लानिंग में लाएंगे। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि हम मेडिकल और क्लिनिकल सभी मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि अच्छा, हम लड़कियों की शादी की उम्र 14 से बढ़ के 18 और लड़कों की उम्र 18 से 21 कर देंगे। छठी, सातवीं और आठवीं योजनाओं के अंदर कहा गया कि हम कॉपर टी का इस्तेमाल करेंगे। और नौवीं पंचवर्षीय योजना में यानी कि आखिर में ये कहा गया कि जो गरीब दो बच्चे पैदा करेंगे उन्हें प्रोत्साहन देंगे। और तो और ये कि अगर जनसंख्या बढ़ भी गई तो लोकसभा में जो सदस्य हैं उनकी संख्या और नाखून होने चाहिए जैसे चाइना में थे। चाइना के अंदर जब यहाँ के लोग ये कहते हैं कि हमारी शरीयत हमको फैमिली प्लानिंग की इजाज़त नहीं देती, तो हम पूछते हैं कि अगर ये धार्मिक इशू है तो चाइना में जहाँ 10 लाख मुसलमानों को हिरासत में ले लिया गया है, नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगा दी गई है और एक बच्चे का कानून जब उन 2015 तक था वो उन्होंने माना और 2015 के बाद अब दो बच्चों का कानून वो मान रहे हैं, तो फिर हिंदुस्तान में क्यों नहीं, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं मानते, वो अब क्यों नहीं लगाते शरीयत, रशिया में क्यों नहीं लगाते शरीयत। तो सवाल कहने का ये है कि ये धर्म से कनेक्टेड नहीं है और हमें हिंदुस्तान की, अगर ये केवल आबादी बढ़ने की बात होती तो शायद ये एब्जॉर्ब कर ली जाती, मगर ये बात आबादी बढ़ने की नहीं, ये बात हिंदुस्तान की सुरक्षा की है, हिंदुस्तान के पुनः बंटवारे की है। लिहाजा देशभक्त नागरिक और पूर्व सैनिक मिलकर पूरे जोर इस काम पे लगे रहेंगे कि जब तक हम दो हमारे दो तो सबके दो का सख्त कानून नहीं बनेगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और उस कानून में ये प्रावधान होना चाहिए कि अगर दो से ज़्यादा बच्चे किसी के हों, हिंदू हो या मुसलमान, उसका वोटिंग राइट खत्म कर दिया जाए, उसको सब्सिडीज और सुविधाएं देनी बंद कर दी जाए। थैंक। पटना से बिहार प्लस की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।